अभी आपने सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र की बात कही, लेकिन क्या इसकी आड़ में या इसकी ओट में आप अपने जो भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, जो आपको मानने वाले आते हैं, उन्हें चमत्कार दिखाकर कोई दूसरी राह तो नहीं दिखा रहे हैं? इसमें हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म की बात जब आ जाती है तो ऐसा लगता है कि दो लाइनें हैं जिसको आप आगे जाके जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। दरबार लगाने का उद्देश्य ही हमारा यह है कि समाज की कुरीतियाँ, अंधविश्वास, तांत्रिक गुनिया, ओझा, भोले भाले लोगों को जो परेशान करते हैं, बहलाते हैं, बहकाते हैं, और इसी चक्कर में कई बार हमारे सनातनी अपने धर्म को त्याज्य करके दूसरे पंथ में चले जाते हैं। ऋषि परंपरा में, हमारे गुरु परंपरा में 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा, अपनी परंपरा का निर्वाहन करके अगर जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की बीमारी पर ईश्वर से प्रार्थना करता और हम अपने गुरु से प्रार्थना करते, बालाजी से प्रार्थना करते, वो किसी के बारे में बता देते और उस रास्ते पर चलने से उस व्यक्ति का अगर लाभ हो जाता, कल्याण हो जाता, ना तो हम किसी को बुलाते हैं, ना हम किसी से धन लेते हैं, ना हम किसी से रुपया लेते हैं, ना हम किसी से ये कहते हैं कि तुम्हें आना ही पड़ेगा, ना हम ये कहते हैं कि तुम हमसे जुड़ो, तो इसमें किसी को दिक्कत क्या है? किसी को खुजली क्यों है? किसी को जलन क्यों है? भाई तुम्हें ज़्यादा दिक्कत है, आप खुद करिए, आप खुद ऐसा कर सकते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करिए, साधना करिए, तपस्या करिए, आप भी गुरु बनाइए, हनुमान जी के आप भी भक्त बनिए। तो हमें नहीं लगता कि हमारी दो लाइनें हैं। जिस प्रकार सूर्य और सूर्य की किरण में अंतर नहीं है, उसी प्रकार दरबार और दरबार का संकल्प सनातन हिंदू राष्ट्र में भी अंतर नहीं। लेकिन आपने अभी कहा कि आप कोई पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन आपके ही बयान है जो अभी लगातार चर्चाओं में है। आप कह रहे हैं जो भी है सोना चांदी है अगर आप दे देते हैं, बैन हमें बहुत अच्छी लगी TV9 की, हाँ। अगर ये आप हमारे नाम करवा देते हैं तो क्या दिक्कत है? गुरु तो स्वीकार कर लेगा ना। कोई श्रद्धा पूर्वक धन चढ़ाता, कोई गाली भी चढ़ाता, देखो तो भारत में कई लोग हमको गालियां भी तो चढ़ा रहे, हम वो भी तो स्वीकार कर रहे हैं ना। और आप इसको देख दिए कि हमने ये कह दिया, गालियों को नहीं आपने देखा, गालियां भी तो लोग चढ़ा रहे हैं, उसको भी स्वीकार कर रहे हैं, न जाने क्या क्या हमको कहा जा रहा है, हम वो भी स्वीकार कर रहे हैं। आप लोगों को ये दावा करते हैं कि वो यहाँ आएंगे तो वो ठीक हो जाएंगे, उनके प्रेत हट जाएंगे या फिर उनकी बीमारियां दूर हो जाएंगी, आप जो कर रहे हैं तो फिर उसके बाद तो दुनिया भर के डॉक्टर्स की दुकान बंद हो जाएगी, अस्पताल बंद हो जाएंगे। डॉक्टरों के खिलाफ नहीं गए, दुआ और दवा दोनों की चर्चा करते हो। हमने 3 माह पहले ही यहाँ पर औषधालय भी खुलवाया है और कैंसर हॉस्पिटल खुलवाने वाले भी। आप खुद कभी डॉक्टर के पास गए जी? आप खुद कभी डॉक्टर जरूरत लगती है सलाह लेते हैं, समझते हैं भाई हॉस्पिटल कैसे बनेगा, और हम समझते भी हैं। हमारे पास कोई लाइलाज बीमारी आती है तो हम पूछते हैं कि भाई हमारी समझ में ये आया, हमारे गुरुजी ने ये बताया, तुम क्या कहना चाहते? कोई हमारे तो बहुत डॉक्टर शिष्य हैं, डिवोटी हैं, और एम्स हॉस्पिटलों में डिवोटी हैं, और ऐसे नहीं एकदम नतमस्तक, अब वो आकर के सेवा यहाँ करते हैं, क्या दिक्कत है? हम विज्ञान के बाहर नहीं, हम डॉक्टरों के विरोधी नहीं। लाय सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरस उर लाए, हमारे हनुमान जी खुद संजीवनी बूटी लाए, तो हमें क्या विरोध है उससे? वो इलाज के लिए पूछ रहे थे, इलाज के लिए कभी गए? आपने कभी अपना इलाज? हमें ऐसा कोई इलाज की अभी जरूरत नहीं पड़ी, और आप कामना कीजिए कि हमें पड़े ना। आपने चादर चढ़ाने वालों को के लिए भी एक शब्द का इस्तेमाल किया था, कल मुहे कहा था उन्हें जी, चादर चढ़ाने वाले। अगर सनातनी ये हिंदू, देखिए सीधी सी बात है, ये जवाब शायद आपको तीखा लगे। सवाल पूरा कर लूं शास्त्री जी, सवाल मेरा ये है कि मजारों पर भी चादर चढ़ाई जाती है, और मजारों पर आप जानते हैं देश के उच्च पदस्थ नेता, तमाम तरह के, इवन प्रधानमंत्री हमारे, वो भी चादर चढ़ाते। निजी आस्था से हमें कोई लेना देना नहीं है, ना उनके प्रति हमारा कोई बयान है। दूसरी बात, ये बात जो चादर वाली हमने बोली वो केवल अपने सनातनियों के लिए बोली। देखो ये बात सुनकर के आपको खरी लगे तो क्षमा करना, जिससे विवाह हो उसी के साथ रहो तो अच्छा है, दूसरे के साथ दिखोगे तो लोग उंगलियां उठाएंगे। उसी प्रकार जब हमारे दादा परदादा पूर्वजों ने राम को स्वीकार किया है, ये भारत राम का देश है, तो दूसरे पंथ में आपको जाने की क्या आवश्यकता है? अगर आप दूसरे पंथ में जाओगे तो हम बोलेंगे सबकी घर वापसी करा देंगे आप। भारत का प्रत्येक नागरिक अपने हृदय पर हाथ रख कर के अगर सोचे तो वो यही मानेगा कि इस भारत के कण कण में और उसकी रंग रंग में जो खून बह रहा है वो राम कृष्ण का बह रहा है। शास्त्री जी,
33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करने की ज़रूरत है बजाय कि चांद की। लेकिन सनातन धर्म में भी हम करवा चौथ के दिन चांद की पूजा करते हैं। वो हमारे तो महादेव के मस्तक पर चंद्रमा है, तो फिर आप ऐसा क्यों कहते हैं कि चांद के विरोधी है ही नहीं? जरूरत है आपका चांद के विरोधी ही नहीं है। चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा तो हमारे नवग्रह में है, आप ये भूली गई। चंद्रमा मनसो जातकसो सूर्यो अजायतो स्रोत्राद्वादस्य प्राणस्य मुखार्दग्नि रजायतो। हमारे तो नवग्रह में चंद्रमा सूर्य है, वो तो किसी ने अपना भगवान बना लिया, तो उनसे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब अगर चांद को पूजा जाए तो कोई आपत्ति नहीं? चांद को चंद्रमा को पूजने में क्या आपत्ति है? आप जो अभी कह रहे थे ना कि लोग आपको गालियां देने लगे हैं, कुछ लोग, जब तक आप भागवत कथा कर रहे थे, राम कथा सुना रहे थे, यहाँ तक कि आप पर्ची भी दे रहे थे, तब तक भी बात ठीक थी, तब कोई विरोध नहीं था। ये जब आपने धर्मांतरण वाली बात छेड़ी, फिर हिंदू राष्ट्र वाली बात छेड़ी, जो एक धर्मगुरु का काम नहीं है, तभी तो ये सब सारे सवाल उठने लगे। उसके पहले भी हमारे जैसे अनेक महात्माओं ने कथा की और उनकी कथाओं पर भी टिप्पणी की, उनको भी ट्रॉल किया, उनको भी गालियां दी, ये पाखंडी है। हमारे ही कुछ दिन पहले ही कहा सब कथावाचक पाखंडी होते हैं। अनेक अनेक बातों से उन्होंने संबोधित किया, तब हमें लगा कि अब इस भारत में राम की कथा के साथ साथ हिंदू राष्ट्र की कथा की भी आवश्यकता है। मेरा सवाल यह है कि आप दुनिया पर निगाह रखते हैं, विश्व शांति की बात करते हैं, इन दिनों दो देश ऐसे हैं जो पिछले एक साल से युद्ध के मैदान में, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। लोग ये जानना चाहते हैं कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध में क्या होगा, कब ये युद्ध थमेगा, किसको पीछे हटना चाहिए। आप कुछ राय देंगे, आप बताएंगे, दुनिया का मार्गदर्शन आप करने की कोशिश करेंगे? प्रतिदिन बालाजी के चरणों में पहली अर्जी तो हमारी यही लगती, विश्व का कल्याण, प्राणियों में सद्भावना। दूसरी बात रही कल क्या होगा, ये बालाजी के अलावा कोई नहीं जानता। तीसरी बात, हम अपने ईश्वर से जुड़ने का प्रयत्न करते ध्यान के माध्यम से या जो भी हमारी गुरु परंपरा है, और ईश्वर हमें संकेत देता, बालाजी, गुरु या जो भी कह लीजिए, तरंग, वाइब्स या जो भी ध्वनि, तो वो हमें अंदर ही अंदर प्रेरणा लगती, उसको हम कलमबद्ध कर देते हैं, और इष्ट के ऊपर भरोसे के कारण वो बात सत्य निकलती। लेकिन रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर पर्ची कभी नहीं निकाली आपने? हमारे पास कोई अर्जी लगाने वाला नहीं आया है। अगर आप लोगों में से किसी को लगे तो ये तो देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए भले की बात है, ये निज स्वार्थ भी नहीं है और इसमें कोई निजी आस्था भी नहीं है। विश्व मंगल की आस्था तो सबके अंदर होनी चाहिए, तो आप लगा सकते हैं अर्जी। बचपन में हमें बताया गया कि यहाँ से थोड़ी दूर पर आपका एक घर है, घर उसको जो स्थिति है उसमें कहना थोड़ा इसलिए मुश्किल लग रहा है, हालांकि घर इंसानों से होता है, व्यक्तियों से होता है। एक छोटी सी टीन की शेड पड़ी हुई है उसके ऊपर, आप पांच लोग उसके अंदर रहते थे, और बताया गया कि उसी में जानवर भी बांधते थे आप लोग। बिल्कुल, देखो वो घर हमारे ही परिवार में चाचा जी के पास में है वर्तमान में, वो पिताजी उसको जहाँ हमारा जीवन प्रारंभ हुआ, फिर कुछ दिनों बाद पिताजी दूसरी जगह आ गए, एक कमरे में आ गए थे, तो वो उस स्थान से हमारी आत्मा जुड़ी है। रही बात स्थिति परिस्थिति की, उस पर किसी का अधिकार है, हम अपना अधिकार जमाते नहीं। दूसरी बात, हर व्यक्ति के जीवन में अभाव होता है, उस घर को ऐसे बने रहने के लिए भी हमारे मन में कल्पना है कि ऐसा बना रहेगा तो हमें अभाव का आभास जीवन भर होता रहेगा। और थोड़ा सा लगता है एक वो घर दिखाई देती होगी आपको, और अब ये 50 लाख का जर्मन टेंट भी यही लगा दिखाई देता है। जर्मन टेंट ना तो हमारा है, ना 50 लाख हमने दिए हैं, आप अगर दे रहे हो तो खरीदें। और दूसरी बात, किसी ने लाकर लगा दिया, उसकी श्रद्धा है, तो ये उस भावना को इससे आप कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा नहीं। शास्त्री जी, जो आरोप आप पर लग रहे हैं, आरोप तो भगवान राम पर भी लोगों ने लगाए, हम तो आम हैं, लोग हमें कब छोड़ेंगे। शास्त्री जी, हमारी कोशिश होती है कि जो आम लोगों के दिमाग में, जहन में चल रहा है, उन्हीं चीजों को हम आपके सामने रखें। तो जो सवाल मेरे हैं, कुछ दिनों से ये जो पागल बैठे हैं इनके दिमाग में भी कुछ चल रहा है, सनातनी इनकी भी तो सुनो। बिल्कुल, बताते हैं, रोज सुनाते हैं। मैं सवाल की ओर बढ़ रही हूँ शास्त्री जी। सवाल जी जो है वो ये है कि
ज़मीन कब्जाने को लेकर तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं, फिर पंचायत की जो ज़मीन थी उसको कब्जा कर वहाँ दरबार लगाने की जो तमाम आरोप है उस पर आप क्या कहेंगे? कई तरह आज तक कोई भी आरोप भगवान की कृपा से सिद्ध नहीं हुआ, और भारत में कानून है, हम भी कानून के अंतर्गत, ना तो हम कोई पॉलिटिशियन है, ना हम कोई कानून है, ना हम कोई मजिस्ट्रेट है। अगर हमने ऐसा कुछ किया होता तो निश्चित रूप से हम पर सरकारी कार्रवाई होती। दूसरी बात, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए जब जब नाम बढ़ता है उस नाम से अपना नाम कैसे फेमस हो, इसके प्रायोजित षड्यंत्र आदिकाल से होते रहे, ये हो रहे हैं। कौन कर रहा है, क्या कह दें अब, सनातन विरोधी, हम आप में से कोई जयचंद जिसे भगवान से दिक्कत है, जिसे गुरु महात्मा इन परंपरा से दिक्कत है, जिन्हें रामचरित मानस से दिक्कत है, जिन्हें भगवान राम के जन्म स्थान से दिक्कत थी, जिन्हें अयोध्या से दिक्कत थी, जिन्हें कृष्ण जन्मभूमि से दिक्कत है, जिन्हें ज्ञान बापी से दिक्कत है, वो कर रहे हैं। मैं एक बात पूछूं, आप जितनी भी बातें कहते हैं ना उससे मुझे लगता है आपकी आइडियोलॉजी और विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मिलती जुलती है। हमारी खुद की पार्टी और हमारे सभी पार्टी के शिष्य हैं, जितनी भी पार्टियां हैं हम उसके साथ हैं जो सनातन की बात करता है। हमारी कोई विचारधारा किसी से हमारी मिलती हो वो उसका विषय है, हमारी खुद की विचारधारा निजी। आपने कहा कि वो लोग आपके विरोधी हैं जो रामचरितमानस की प्रतियां जलाते हैं, लेकिन रामचरितमानस की ही एक लाइन है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, इसी को लेकर विवाद भी है आपकी भी, आपके इस पर विचार क्या है? ताड़ना का अर्थ शिक्षा है। संदर्भ जो कहा गया जहां पर ये बात कही गई, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, इन सबको शिक्षा की बात गोस्वामी जी कह रहे हैं। जिस प्रकार आप लोग जब हमारे पक्ष में खबर दिखाते हैं तो लोग आप पर कमेंट्स करते हैं गोदी मीडिया, और आप हमारे विरोध में खबर दिखाएंगे तो लोग आप पर कमेंट्स करेंगे सनातन विरोधी वामपंथी। तो लोगों की अपनी अपनी दृष्टि देखने की होती है हर खबर को, उसी प्रकार गोस्वामी जी की चौपाई को देखने की अपनी अपनी दृष्टि है, परंतु गोस्वामी जी सर्वधर्म समन्वय सामाजिक समरसता के बहुत बड़े पुजारी हैं, इसलिए उन्होंने सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, सबको राममय प्रणाम करने की बात कही। आप अपने भक्तों को पागलों कह के संबोधित करते हैं, मेरे पागलों, प्रभु को पाकर जो उनमें गल जाए वो पागल है। हम इन लोगों को कहना चाहते हैं कि पालो पागलो, और हमारे पगले काम ही ऐसा करते हैं, और हम अपने आप को भी पागल भी तो कहते हैं, तो जब अपने आप को कहा तब तो तुम कभी नहीं हमारे पास आए, हमने लोगों को पागलो कहना शुरू कह दिया तो आ गए। बाबा बागेश्वर की पर्ची अगली प्रीति के पास में, प्रीति बताइए क्या लिखा है उस पर्ची में। अब जो सवाल पूछने में जा रही हूँ वो आपके जरिए जो कहा जाता है पागलो, उनको ज़्यादा पसंद आएगा, आपको कितना पसंद आएगा वो आप तय कीजिएगा। आपकी शादी कब हो रही है और किससे हो रही है? ये भी पुराना विषय है, बालाजी ने चाहा तो बहुत जल्दी होगी, गुरु प्रेरणा माता पिता जहाँ तय करेंगे, हम तो संस्कार में पले बढ़े हैं, हमारे संस्कार सदैव से हमारी भारतीय परंपरा के अनुरूप थे हैं रहेंगे, जहाँ हमारे माँ बाप हमको आज्ञा देंगे साहस हम वहाँ पर गृहस्थ जीवन में उसी दिन स्वीकार करके प्रवेश करेंगे। आप कह ही चुके हैं कि हम वो तमाम सवाल पूछ रहे हैं जो पहले भी कई बार पूछे जा चुके हैं, लेकिन उसका मतलब जवाब नहीं मिला है सीधा सीधा, आपको गुस्सा क्यों आता है? और अभी भी गुस्से में आ गए थे क्या? गुस्सा नहीं आता है, सत्य पर बोलने पर हमारे अंदर ज्वाला भभकती है, और सनातनियों के अंदर ज्वाला होनी ही चाहिए, क्योंकि ज्वाला नहीं होगी हमको गुस्सा नहीं आता। राम जी की वीरता का परिचय है, हम गुरु परंपरा में बैठे हैं, कई लोग गुरु कहते हैं हमको, जिस प्रकार कुम्हार जब मटका बनाता है तो
बाहर से थपकी लगाता पर भीतर से हाथ का सहारा देता। उसी प्रकार दिखने में आवेश और गुस्सा और क्रोध नजर आता पर उसके पीछे सिद्धांत बड़ा प्यारा छिपा है कि भैया गलती कर रहे हो, तुम सनातन के खिलाफ उंगली मत उठाओ।